हेलो दोस्तों, हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन में आपका स्वागत है। आज हम आपको अमेरिकन टीवी सीरीज़ लोकी की कहानी बताएंगे। ये लोकी की पहली सीज़न है। इसके पहले के एपिसोड का नाम ग्लोरियस पर्पस है। लोकी का फर्स्ट एपिसोड 2012 से शुरू होता है। ये पूरा सीन आपने एवेंजर्स एंड गेम में पहले ही देख लिया है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लोकी के भागने का सीन। लोकी भाग के मंगोलिया के गोबी डेजर्ट पहुँच जाता है। ये सीन आयरन मैन के फर्स्ट मूवी के डेजर्ट वाले सीन जैसा है। अब वहाँ पर हंटर B-15 की एंट्री होती है, जो कि टीवीए का हिस्सा है। हंटर B-15 लोकी को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि लोकी ने समय रेखा का उल्लंघन किया है। टीवीए को समय रेखा को कंट्रोल करने की शक्ति है। टीवीए यहाँ पर एक डिवाइस यूज़ करते हैं, जिससे टाइमलाइन को रीसेट किया जाता है। अब लोकी को टीवीए के हेडक्वार्टर पर लाया जाता है। यहाँ पर लोकी के अलावा कई लोग समय रेखा का उल्लंघन कर ले होते हैं। अब यहाँ पर लोकी की सारी जानकारी इकट्ठा की जाती है। उसमें वो बार बार ऊपर से नीचे गिरता है। लोकी के गिरने वाला सीन डॉक्टर स्ट्रेंज वाले से काफ़ी मिलता है। यहाँ पर लोकी को ये भी कंफर्म करना पड़ता है कि वो रोबोट नहीं है। इस एपिसोड में एक एनिमेशन वीडियो के द्वारा टीवीए के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें कई साल पहले बहुत सारे वॉर हो रही थी अलग अलग समय रेखा के बीच, जिसके बाद तीन समय के रक्षक मिलकर अलग अलग समय रेखा को मिला के एक समय रेखा में बना देते हैं। रेवना रेंसलेयर टीवीए की जज है, और वही तीनों सबके समय रक्षक के संपर्क में हैं। अभी दूसरी तरफ मोबियस एम को दिखाया जाता है। मोबियस 1549 में एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो कि वर्तमान से 450 साल पहले का है। इससे पता चलता है कि डीवीए फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट में कहीं भी जा सकता है। यहाँ पर किसी हंटर की मौत हुई है, जिसकी एजेंट मोबियस जांच कर रहे हैं। यहाँ पर उन्हें एक बच्ची मिलती है। मोबियस उसे पूछता है, ये बस सब किसने किया? तो वो बच्ची डेविल्स की तरफ इशारा करती है। मोबियस को बच्चे के पास एक कैंडी मिलता है, जो कि उस समय का नहीं था। जिसने हंटर को मारा है, उसने वो बच्ची को दिया होगा। जो भी ये सब कर रहा है, और वो और कोई नहीं बल्कि लोकी का वेरिएंट है। इसलिए मोबियस ने लोकी को बचाया और उसकी मदद मांगता है, क्योंकि लोकी के वेरिएंट के पास, टीवीए के पास जो समय रेखा बदलने वाली डिवाइस है, जिसकी वजह से उसने 1549 में टीवीए के एजेंट को मारा, फिर 1858 में जाके दूसरे एजेंट को मारा। ये लोकी का वेरिएंट बहुत खतरनाक है। यहाँ पर लोकी की जनरल रूट बताया गया है। मोबियस को लोकी का टाइम थिएटर ले जाता है, जहाँ पर मोबियस लोकी को उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ दिखाई दे जाता है। टीवीए में समय रेखा को अलग दिखाया गया है। यहाँ पर कोई भी जादू नहीं काम करता। लोकी के पावर यहाँ पर काम नहीं करते। जहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन टेबल के ड्रॉअर में पड़े दिखाई जाते हैं। लोकी को महसूस होता है कि टीवीए बहुत खतरनाक है। लोकी टाइम थिएटर में अपनी गलतियों को देखता है। वो अपनी मौत को भी देखता है थानोस के हाथों। तब उसे पता लगता है कि वो किस ग्लोरियस पर्पस के लिए बना है। अब वो मोबियस की मदद के लिए तैयार होता है। अब 1858 में ओक्लाहोमा में टीवीए के लोग दिखाई जाते हैं, जहाँ पर फ्यूचर से आया हुआ वेरिएंट आग लगा देता है। ये कौन है, क्यों आया है, किस लिए आया है, इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।